नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीसी 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट डिजीज की। आज हेल्थ गुरु शो में हमारे साथ इंदौर अपोलो हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन राव हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईबीसी 24 में। थैंक यू लॉट। अमूमन ये देखने में आया है क्योंकि जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है वैसे वैसे बहुत तेजी के साथ जो हार्ट डिजीज है वो पैर पसार रही है, और अगर खासतौर पर हार्ट अटैक की बात की जाए किस स्थिति में आप इसे देखते हैं? मेरे को करीब 20 साल हो गए हैं हार्ट का इलाज करते हुए, और उन 20 सालों में मैंने ये देखा है कि जो पहले मैं दिल्ली में था तो दिल्ली में जो टोटल केसेस होते थे वो अराउंड 350 एंजियोप्लास्टीज होती थी, जो इंदौर में उस वक्त 5 या 10 एट द मोस्ट 15 होती थी। आज वही स्थिति इंदौर में हो गई है कि बहुत ज़्यादा एंजियोप्लास्टीज और एंजियोग्राफीज यहाँ पे हो रही हैं। ये एक इनडायरेक्ट मापदंड है जिससे ये पता चलता है कि कम से कम 10 गुना पिछले 15 साल में जो हार्ट की डिजीज़ है वो बढ़ गई है। जो आमतौर पे हम कहते हैं कि विलेजेस में खुली हवा है, वहाँ पे फास्ट फूड नहीं है, जंक फूड नहीं है, उसमें भी पिछले 30 सालों में जो ये बीमारी है ये करीब 4 से 5 गुना बढ़ गई है। तो ऐसे मेरे हिसाब से जो जीवन शैली है, जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं, उसमें इनका शुमार होता है। अभी मैं रिसेंटली एक टॉक में गया था तो मैंने पूछा कि ऐसे कोई व्यक्ति बताइए आपके आसपास इर्द गिर्द आपके फैमिली में जिनको ट्यूबरकुलोसिस है, क्योंकि जब हमने मेडिकल पढ़ाई शुरू करी थी तो उस वक्त ट्यूबरकुलोसिस हर काफ़ी हम देखते थे, अब तो बहुत रेयरिटी हो गई है। तो जब मैंने पूछा तो एक हाथ या दो हाथ उठे थे, करीब 100 लोग थे उसमें। उसके बाद मैंने उनसे दूसरा सवाल किया कि ऐसे लोग यहाँ पे जो हैं जिन्हें कभी हार्ट अटैक के बारे में सुना है, अपने मरीज को, अपने नियर एंड डियर वंस को, या अपने नेबरहुड में किसी को हार्ट अटैक आया, तो करीब लगभग 70 लोगों ने हाथ उठाए थे। तो इन्फेक्टिव डिजीज़ से हट के हम नॉन इन्फेक्टिव डिजीज़ यानी कि लाइफस्टाइल डिजीज़ जो कि हार्ट डिजीज़ हैं उस पे हम आ गए हैं। तो ये एक इनडायरेक्ट मापदंड है जिससे हमें पता चलता है कि हार्ट डिजीज़ काफ़ी रैम्पेंट हो गई है आजकल। एक समय था जब 50 के पार व्यक्ति को हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स देखने को भी मिलते थे, लेकिन मौजूदा दौर की स्थिति बहुत ज़्यादा इससे विपरीत है। आज 18 ईयर्स हो या 13 साल के बच्चे, उसमें भी हार्ट अटैक के हमें कई बार ऐसे केसेस देखने को मिले। इसका मेन रीज़न क्या है? लाइफस्टाइल में चेंज है, आपका डाइट शेड्यूल वैसा हो रहा है, या स्ट्रेसफुल लाइफ, किसको आप मेन सिम्टम्स मानते हैं? ये काफ़ी अच्छा सवाल है क्योंकि अभी पिछले 2-3 दिन पहले ही एक 18 साल का बालक हमारे पास आया था जिसको एक्सटेंसिव हार्ट अटैक था। अनफॉर्चुनेटली वो काफ़ी लेट आया था तो हम उसको बचा नहीं पाए थे। तो ये डायग्नोस करना कि उस 18 साल में हार्ट अटैक हो सकता है, ये भी बहुत मुश्किल था क्योंकि उसको बार बार पेन हो रहा था, बीपी कम था, इसलिए उसका ईसीजी लिया गया था, उस ईसीजी में उनको एक्सटेंसिव हार्ट अटैक आया था। तो ये मानना कि हार्ट डिजीज़ 50 साल के ऊपर वालों की बीमारी है, ये अतिशयोक्ति होगी आज के ज़माने में। उसके रीज़न जैसे आपने बोला कि लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और खान पान, ये सारी चीज़ें उसमें शुमार करती हैं। जो मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आजकल है वो नींद की कमी होना है। आजकल हम आमतौर पर 8-9 बजे तो घर पहुँचते ही हैं, उसके बाद जो हमारा टाइम होता है खाने पीने रहने में जाता है, कुछ टेलीविज़न देखते हैं, फिर कुछ सोशल मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म पे हम मुखातिब होते हैं, उसके बाद हम सोने जाते हैं। तो ये 12 से 1 बज जाते हैं सोने में, और उसके बाद भी जैसे मेरा जीवन शैली है इसमें रात भर फ़ोन कॉल्स आना, या आप लोग के इसमें प्रेस में, या काफ़ी एक जो मीडिया पर्सनस हैं या कई डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आपको फ़ोन रेगुलरली ऑन रखना पड़ता है भले ही आप ड्यूटी पे होना हो। सो कहीं ना कहीं नींद टूटती है रात में, तो ये नींद की भरपाई हमारी दिन में भी नहीं हो पाती क्योंकि संडे आमतौर पे कुछ हम लोग के पिकनिक्स, कुछ गेट टुगेदर्स, कुछ पार्टीज होती हैं, तो संडे को भी नींद नहीं हो पाती। ये सारी चीज़ें एक्यूमुलेट होती रहती है एंड दिस लीड्स टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम जैसे गैस, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, इरेगुलर फीड ईटिंग हैबिट्स। तो इन सब चीज़ों से हार्ट पे स्ट्रेन पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है बिकॉज ऑफ जो हमारा पूरी जो डाइजेशन है वो
एकदम चेंज हो जाता है। तो जंक फूड हम फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, जैसे बिस्किट्स और ऑफ डेज में, बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू ईट समथिंग एट 2 o'clock इन द नाइट रादर देन पैक्ड फूड जो होता है। तो इन सब चीज़ों के कारण प्रॉब्लम्स होती हैं। पहले के ज़माने में क्या था कि जो हमारे ब्रदर्स थे, माता पिता थे, वो सारे उसी सिटी में रच बस जाते थे, उसी सिटी में उनकी नौकरियां हो जाती, तो एक जॉइंट फैमिली थी। काफ़ी लोग आपस में उसी घर का काम जो वो है 7-8 लोग बांट लेते, तो जो स्ट्रेस था डे टू डे वर्किंग का वो बहुत कम था। बच्चों को भी काफ़ी लोग मिल जाते थे कि जो कुछ खाना है फ्रेश खाना बन जाता था, घर का खाना मिलता था। तो ये सारी चीज़ें जो धीरे 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 करके चेंज आया है, इस कारण से हार्ट डिजीज़ में भी अर्ली डिटेक्ट होने लगी हैं। दूसरा कि हमारी मेडिकल फील्ड बहुत प्रगति कर रही है, तो मेडिकल फील्ड जब प्रगति करती है तो हम अर्ली डिटेक्शन और अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट पे ध्यान देते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण हार्ट डिजीज पहले भी हो सकता है इस मात्रा में रही हो, बट आजकल ज़्यादा पकड़ में आ रही है। डॉक्टर, कई बार ये देखने में आता है कि पेशेंट समझ नहीं पाता है कि ये हार्ट डिजीज के सिम्टम्स है, मतलब लक्षण की पहचान नहीं होना एक बड़ा हमेशा मामला सामने आया है। जब आप लोगों के पास पेशेंट्स आते हैं, कई बार ऐसे होता है कि काफ़ी डेंजर जोन में आने के बाद आते हैं, तो उन लोगों के लिए किस तरह का आप मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये जानें कि हार्ट अटैक का मतलब या हार्ट डिजीज़ का मतलब सिर्फ चेस्ट पेन नहीं है, वो एक सिम्टम है जो कि करीब मुख्यतः 70% लोगों में होता है। 30% लोगों में काफ़ी अजीब से सिम्टम्स होता है। अजीब से सिम्टम मतलब कि जो अपने जॉ है और जो नाभि है, या कि एम्बलाइकस बोलते हैं, उसके बीच में अगर कोई भी पेन होता है तो वो हार्ट अटैक का पेन हो सकता है। आगे पीछे दाएं हाथ में बाएं हाथ में झुनझुनी, दांत का दर्द पहली बार, ये सारे अटैक्स के सिम्टम हो सकते हैं। अनायास पसीना आना, अनड्यू सांस फूलना, गैसेस ने जितनी जाने हमारे यहाँ भारत वर्ष में ली है, मेरे ख्याल से कहीं पे भी नहीं ली है। उसका रीज़न ये है कि जो एक हार्ट की सतह होती है वो पेट के ऊपर होती है, दोनों की नस सप्लाई एक ही होती है, तो जब वो नस बंद होती है तो गैसेस होते हैं। अनड्यू गैसेस 45 साल की उम्र में कभी रात में एट रेस्ट बहुत पसीने के साथ या अनइजीनेस के साथ अगर गैसेस हो रही हैं, तो आप इनो लेके या कोई एंटी एसिड लेके ना सोएं। उसको तुरंत जो चीज़ आपको जगा दे रात में सोने से, ये नॉर्मल नहीं हो सकती, तो उसको तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए। हो सके अगर वो सलाह दे तो एक ECG कराइए, और अगर वो सलाह दे तो आगे का इलाज कराइए। तो गैसेस को अनदेखा ना करें। गैस अगर पेट से है तो आप वो जानलेवा नहीं है, अगर गैस हार्ट से है तो ये जानलेवा है। तो अगर आपको गैसेस हो रही है, चलने में गैस हो रही है, तो आप तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाएं और उसकी सलाह लें। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि आप नियमित रूप से हेल्थ चेकअप्स कराइए, जिससे आपके डॉक्टर लोग आपको प्रॉपर सलाह दे पाएं और अपन बीमारी होने से पहले ही बीमारी को पकड़ पाएं। एक बहुत ज़्यादा डाउट रहता है जब भी कोई पेशेंट आता है, वो समझ नहीं पाता है कि हार्ट अटैक क्या है और हार्ट अरेस्ट कैसे आप इन्हें डिफाइन करेंगे। ये सिंपल है, अपन ये समझते हैं हार्ट अरेस्ट और हार्ट अटैक एक ही चीज़ है, बट हार्ट अटैक एक पूरा ग्लोबल चीज़ है। जैसे कि अगर अपन दालें देखें तो दाल एक चीज़ होती है, कोई और चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, ये अलग होती है। तो हार्ट अटैक इज़ वन बिग थिंग, उसके अंदर एक एंटिटी होती है जो कि हार्ट अरेस्ट कहते हैं। इसमें जो मरीज़ है वो मूर्छित हो जाता है, चेस्ट पेन होता है, अचानक से मूर्छित हो जाता है, अनरिस्पॉन्सिव होता है, उसकी सांसें नहीं चलती, उसकी धड़कन नहीं चलती, तो ऐसा होने पे हार्ट अरेस्ट कहते हैं। और हर हार्ट अटैक में करीब 50% लोगों में हार्ट अरेस्ट हो सकता है। 1948 से जो दर है हार्ट अरेस्ट की हार्ट अटैक्स में, वो करीब 50% है। और ये इसका मापदंड माने ये हैं कि करीब 50% लोग अस्पताल ही नहीं पहुंच पाते और वो दम तोड़ देते हैं हार्ट अटैक्स में। और ये जो दम तोड़ते हैं इनको सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, और हार्ट अरेस्ट जो आप पूछना चाह रहे हैं। आजकल जो BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट है, ये काफ़ी चर्चित चीज़ है। और ये इसलिए है कि जो पेशेंट जो मूर्छित हो गया, अस्पताल से दूर है, उसको जो परिवारजन है, आसपास के निकट लोग हैं, वो कैसे उसको बचा के सकुशल अस्पताल ले आएं ताकि हम उनका प्रॉपर इलाज कर पाएं।
इसको बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं। और ये बहुत जानना हम सबको बहुत ज़रूरी है कि हम हार्ट अरेस्ट में अपने मरीज़ को, अपने प्रियजन को, निकट लोगों को अस्पताल में सकुशल क्यों लाएं। तो हार्ट अरेस्ट का ये मतलब। डॉक्टर, आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि पहले सर्जरी का कुछ लेवल अलग हुआ करता था, अब हाई टेक्नोलॉजी आई है, किस तरह की इस बार जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आप लोग सर्जरी करते हैं और ये कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि सबसे पहले पेशेंट को यही डर लगता है कि हम सर्जरी कराएं या ना कराएं। हार्ट की सर्जरीज आजकल बहुत कॉमन है। आजकल जो यूज़र फ्रेंडली या डॉक्टर फ्रेंडली जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे सर्जरी बहुत लो रिस्क हो गई है। इवन बाईपास सर्जरी की जो रिस्क है, जो उसमें मोर्टेलिटी या प्रॉब्लम होने की संभावना है, वो सिर्फ 1% होती है अगर प्रॉपर मरीज को चयनित किया जाए तो। और एंजियोप्लास्टी जो कि मैं करता हूँ, इसमें हम स्टेंट्स लगाते हैं। चूँकि आजकल स्टेंट्स काफ़ी सस्ते हो गए हैं, इसलिए आजकल बाईपास और एंजियोप्लास्टी की दरें लगभग लगभग सेम हो गई हैं। पहले के ज़माने में ये कहा जाता था कि अगर 3 नसों में ब्लॉक हैं तो उसमें बाईपास सर्जरी करना चाहिए, और जो 3 नस से कम में ब्लॉक है उसमें एंजियोप्लास्टी करना चाहिए। ये भी जो डिफरेंस है वो भी आजकल धूमिल हो गया है। रीज़न ये है कि जो स्टेंट्स के कॉस्ट हैं वो कम हो गए हैं। पहले के ज़माने में अगर हम 3 स्टेंट लगाते तो लगभग लगभग 5 से 6 लाख का खर्चा आता। इस वक्त वो बाईपास के बराबर रफली अराउंड 2 लाख का खर्चा आता है, इवन बाईपास और एंजियोप्लास्टीज में। तो ये जो डिफरेंस जो कम हो गया, उस कारण से हम लो रिस्क एंजियोप्लास्टीज प्रॉपरली सिलेक्टेड पेशेंट्स में कर पाते हैं, जिससे मरीज़ को रिस्क कम होती है और उसको काफ़ी आसानी होती है। सपोज़, क्योंकि हम लोग यंगर जनरेशन की तरफ झुक रहे हैं, सपोज़ किसी को 42 साल में 3 नसें ब्लॉक हैं, उसका हम बाईपास करते हैं, तो आगे बाईपास आमतौर पर 10 से 12 साल तक चलता है, उसके कुछ ग्राफ्स में प्रॉब्लम हो जाती हैं इस कारण से। तो 50-55 साल में फिर अगर दोबारा उसको ब्लॉक होती है, तो उसके पास अगर 3 नसें दोबारा ब्लॉक हुई तो उसके पास बाईपास का ऑप्शन तो होता है, बट रीडू बाईपास के रिस्क बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एंजियोप्लास्टी। तो अगर हम अभी उसको एंजियोप्लास्टी करके उसको प्रॉपरली गाइड करेंगे, तो हो सकता है कि निकट भविष्य में अगर और ब्लॉकेज हों तो वो बाईपास के लिए एक बहुत अच्छा फिट कैंडिडेट हमें मिलेगा। अदरवाइज़ तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। और मेरे ख्याल से 30% लोग ऐसे हैं जो कि 40 से 50 साल के बीच में हैं, जिनको दोनों 3 नसों में ब्लॉक होती है। तो इसमें हम प्रेफर करते हैं एंजियोप्लास्टी करना, अगर आर्टरीज़ की एनाटॉमी ऐसी हो जिसमें हम एंजियोप्लास्टी आसानी से कर पाएँ, ताकि आगे आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ने पर उसके बाईपास किया जा सके। तो हम आपको ये छोटी छोटी बातें बता रहे हैं जिससे अगर आपको हार्ट पेशेंट है किस तरह से बचा जा सकता है। और भी कई ऐसे पहलू हैं जिस पर बात करेंगे। इंदौर अपोलो हॉस्पिटल से हमारे साथ लगातार डॉक्टर राव जुड़े हुए हैं, जो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अपने नाजुक दिल की आप सेहत अच्छे से रख सकते हैं। हमने लगातार कई तथ्यों पर बात की। अगर डॉक्टर राव से जानना चाहेंगे, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट, अब उसे पता है कि वो हार्ट पेशेंट है, किस तरह का खान पान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब उसको पता है कि मैं हृदय रोग से ग्रसित हूँ? ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही एसेंशियल सवाल है। रीज़न ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खान पान पर ध्यान नहीं दे पाते हैं आजकल की जीवन शैली में। जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था, ये एक मुख्य कारण है हार्ट अटैक्स का। तेल के बारे में बहुत सारी धारणाएँ हैं, तो तेल आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। क्वालिटी क्वांटिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर 4 लोग हैं घर में, तो पर पर्सन पर मंथ आधा लीटर तेल यूज़ होना चाहिए, यानी कि 4 लोग हैं तो 2 लीटर तेल यूज़ करें। आप लीटर तेल में मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि जो बुरी जो चीज़ें हैं तेल में, वो सब तेल में सेम है, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो सब तेल में भिन्न भिन्न हैं। तो अगर अपन हर 3rd महीने में या हर 4th महीने में अपने घर में जो पकाने वाला तेल है वो चेंज करेंगे, तो जो सारी तेलों की अच्छी अच्छी जो खूबियाँ हैं वो हमें बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, सेफ्लावर ऑयल है, और अपनी राइस ब्रैन ऑयल है। तो ये चारों तेल को अगर अपन 3-3 महीने में चेंज करेंगे तो वो अच्छा होगा। दूसरी चीज़ की जो मात्रा है उसको आधा लीटर पर पर्सन पर मंथ रखें। दूसरा, ये जो है हमने जो वेस्ट से सीखा है कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ पॉपर,
ये धारणा हमें लागू नहीं होती। रीज़न ये है कि जो उनकी जो क्लाइमेट है वो एकदम ठंडा है और हमारा क्लाइमेट जो गर्म है, तो जो वो लोग वहाँ करते हैं वो हम यहाँ नहीं कर सकते। तो ये बहुत बहुत बड़ा मिथ है कि ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा करना चाहिए, उससे थोड़ा लंच करना चाहिए और डिनर सबसे कम करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि ब्रेकफास्ट लाइट करना चाहिए, लाइट में, और ख़ासकर अंकुरित चने, अंकुरित दालें, कम पका हुआ अनकुक्ड फूड ये ज़्यादा लें, होल ग्रेन्स, ब्रेड्स लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, और फ्रूट्स एंड सैलड्स, ये अगर अपन ब्रेकफास्ट में लेते हैं। लंच में कुछ स्प्राउट्स एंड सम चपाती एंड लो फ्राइड सम लो सॉर्टेड वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें लें तो ये अच्छा होगा। रीज़न ये है कि हम फूड कैपिटल में, तो इंदौर को फूड कैपिटल कहता हूँ क्योंकि यहाँ 2 मिनट में पार्टियाँ बन जाती हैं, और हम लोग हर मेरे ख्याल से हफ्ते में 3 बार पार्टीज़ जाते हैं, और पार्टीज़ आमतौर पर क्योंकि हमारा गर्म देश है तो हमारी पार्टीज़ शाम को होती हैं। वेस्ट में जो पार्टीज़ होती है डे टाइम में होती हैं, तो दे कैन हैव अ गुड ब्रेकफास्ट, दे कैन हैव अ गुड लंच, और वो डिनर लाइट करते हैं क्योंकि उन लोग ने अपनी पूरी कैलरी सुबह नाश्ते में और खाने में वो यूज़ करते हैं। दे एन्जॉय द पार्टी ड्यूरिंग द डे टाइम। नाइट में दे स्लीप अर्ली क्योंकि इट इज़ अ वेरी कोल्ड कंट्री, और नाइट में यूजली पार्टीज़ वहाँ पर कम होती हैं। इंदौर में, खासकर भारत में, जो पार्टियों का चलन है वो सिर्फ शाम के समय है। तो अगर हम किंग टाइप ब्रेकफास्ट कर लें, प्रिंस टाइप लंच कर लें, तो हमारे पास कैलोरी का बैलेंस नहीं बचता कि हम नाइट को एंजॉय कर पाएँ। तो नाइट का डिनर हमारा रिलेटिवली लूज होना चाहिए, यानी कि हमारी जो कैलोरीज, बची हुई कैलोरीज हैं पर डे की, वो नाइट में होनी चाहिए। इससे हमें बहुत अच्छा रहेगा, हम पार्टीज़ भी एंजॉय कर पाएंगे एंड वी विल नॉट ओवरशूट आवर कैलोरीज। दूसरा जो मिथ है कि दौड़ने से आदमी पतला हो जाता है, ये मिथ है, ये फैक्ट नहीं है। दौड़ना हमारे लिए ज़रूरी है, ये भी फैक्ट है, बट दौड़ने से आदमी पतला नहीं होता। जो आदमी दौड़ता है वो फिट रहता है, वो अवेयर रहता है सराउंडिंग्स के, वो क्या खा रहा है उसके लिए अवेयर रहता है। जैसे कुछ फूड्स हैं जैसे कि नेगेटिव वैल्यू फूड्स होते हैं, जैसे कुकम्बर है, टोमेटो है, ये जब हम खाते हैं तो चबाने में इनमें जो कैलरीज यूज़ होती है वो 20 हैं, और कुकम्बर में 100 ग्राम कुकम्बर में जो कैलरीज होती हैं वो 18 हैं। तो अगर हम कुकम्बर खाते हैं तो हमारा पेट भी भर जाता है और नेगेटिव कैलरीज मिलती। सो दीज आर सम फूड्स विच आर देयर ऑन यू कैन सी, और यू कैन सी द डाइटिशियन की नेगेटिव कैलरी वैल्यू फूड्स क्या हैं। ये अगर आप खाएंगे तो आपका संतुलन बहुत अच्छा बना रहेगा। इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखें। और जो अलग जो 3 कंपोनेंट होते हैं किसी भी जीवन शैली के, एक होता है पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ बॉडी एंड फिटनेस ऑफ बॉडी एंड वेट लॉस। तो पीस ऑफ माइंड के लिए हमें योगा करना चाहिए। मैंने बहुत सारे ओबीस लोग आते हैं, बोले मैं 1 घंटा 1.5 घंटा कपालभाती योगा करता हूँ, तो इससे आपकी स्टैमिना नहीं बनती है। ओके, इट इज़ फॉर योर मेंटल पीस। और वो योगा अपनी जगह ज़रूरी है, दौड़ना अपनी जगह ज़रूरी है, और खाना अपनी जगह ज़रूरी है। डॉक्टर, ये भी देखने में आया, कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसको डिसीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, मतलब उसके परदाता को था तो उसको भी हार्ट अटैक के सिम्टम्स नज़र आते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि फैमिली में कभी किसी को ऐसा कुछ डिसीज़ नहीं हुआ लेकिन बन पाए, किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं और ये कैसा मिथ है जिसको लेकर हमेशा एक कश्मकश बना रहता है? फैक्ट इज़, जैसे आपकी आवाज़ है वैसे आपके फादर की आवाज़ होती है, ग्रैंडफादर की आवाज़ होती है, जैसे आपके हेयर स्टाइल है या आप बॉल्ड हैं तो आपके फादर ग्रैंडफादर भी होते हैं। तो सबसे सिंपल टेस्ट ये है, आप अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को देखिए, अगर वो डायबिटिक हैं, अगर वो हाइपरटेंसिव हैं, अगर उनको हार्ट डिजीज़ है, वो बहुत मोटे हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता उनके जैसा होने के लिए, क्योंकि जेनेटिक्स स्पीक्स अलाउड, तो आप वैसे हो सकते हैं। इस कारण से मेरा ये मानना है कि सबसे सिंपल टेस्ट ये है, यू लुक अराउंड, सी हाउ दे आर, और वो क्या दिनचर्या फॉलो करते हैं। सबसे पहले अपनी दिनचर्या को उनसे भिन्न करें और उनको ये चेंज दिखाएं कि मैंने आपसे भिन्न होकर ये दिनचर्या चालू करी है तो मैं हेल्दी हो गया हूँ, ताकि वो भी हेल्दी हों। अगर उनको हार्ट अटैक हुआ है तो आपको होना लगभग लगभग बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको हार्ट अटैक होगा,
बट आप उसको दूर धकेल सकते हैं, 2 डकेट 3 डकेट दूर धकेल सकते हैं। जैसे आपके फादर को अगर हार्ट अटैक 40 से 50 के बीच में हुआ, वो टाइम ऐसा होता है जब वो उनकी ज़िंदगी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक तो बूढ़े माँ बाप को उनको देखना होता है और बच्चे छोटे होते हैं उनको देखना होता है। ही इज़ द सोल अर्निंग मेम्बर, ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। तो अगर अपन इस हार्ट अटैक के डिकेड को 60 से 70 तक ढकेल पाएँ अच्छी दिनचर्या अच्छी लाइफस्टाइल से, तो हमारे जो बच्चे हैं हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका हम भली भांति ख्याल रख पाएंगे। तो टेस्ट, फैमिली टेस्ट कहते हैं इसे, अपने आसपास अपने माँ बाप को देखिए, उनको ठीक करें, अगर वो सही हैं तो उनको फॉलो करें, अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनको ठीक करें और ख़ुद भी ठीक हों, क्योंकि वरना कोई भी ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी जो आपको अपने माँ बाप से भिन्न करती है, एक्सेप्ट लाइफस्टाइल, जो चीज़ खान पान है, रहन सहन है, स्ट्रेस लेवल ऑफ फिज़िकल एग्जर्शन, ये सारी चीज़ें, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें चेंज करें, अपने माता पिता से बदलें और अपने माता पिता से तंदुरुस्त हों और उनको भी मोटिवेट करें कि वो भी तंदुरुस्त हों। थैंक यू सो मच, इतनी महत्वपूर्ण बातें आज IBC 24 को बताने के लिए। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप हमेशा हेल्दी रहे और हार्ट पेशेंट्स जितने भी है वो ज़रूर हमारा ये शो देखें, क्योंकि ये छोटी छोटी टिप्स ही है जो उनको कहीं ना कहीं एक गंभीर बीमारी से बचा सकती है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, आप बने रहिए IBC 24 के साथ।